जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल कैकशा खान। आज हम आए हैं गुलिस्तान रेस्टोरेंट में। हम लोग गए थे कहीं और, लेकिन इत्तेफाक से हम मुमरा के दोस्ती जहाँ पर ये है कॉलोनी है, वहाँ पर हम लोग आ गए हैं। और हम लोग को पता नहीं था कि हम गुलिस्तान रेस्टोरेंट में जाएंगे, लेकिन हम कोई और रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे, इत्तेफाक से यहाँ आ गए। यहाँ के सारे स्टाफ हम लोगों को बोलने लगे कि आप ज़रा ब्लॉग बना लीजिए यहाँ की। तो मैं यहाँ पे ब्लॉग बनाने लग गई कि देखिए यहाँ पे कितने अच्छी तरीके से इन लोगों ने पूरा बनाए हैं गुलिस्तान रेस्टोरेंट। मुझे लगा था छोटा सा है, लेकिन यहाँ तो बहुत बड़ा निकला। यहाँ पे 2-3 दस्तरखान है, यहाँ पे फैमिली, बड़ी से बड़ी फैमिली भी आ सकती है यहाँ पर। और मुस्कान तो इतनी खुश हो गई थी, बोल रही थी मम्मी ये रेस्टोरेंट तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है मम्मी, लेकिन हमारे थाने से थोड़ी दूर पड़ती है, क्योंकि पूरा हम लोगों को यहाँ पे सील फाटक ब्रिज क्रॉस करके हम लोग को आना पड़ा। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, यहाँ के स्टाफ लोग भी अच्छे लगे मुझे। और लेकिन यहाँ की जो डेकोरेशन थी रेस्टोरेंट की, माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। और फुल एसी है, और यहाँ पे फैमिली लेकर आप आ सकते हैं। हम लोग ने तो बहुत इंजॉय किया, पहले तो हम लोग ने पूरा वीडियो निकाल लिए, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी। यानी होटल जैसी एक होनी चाहिए अच्छी, वो हिसाब से मुझे अच्छी लगी। यहाँ पर ये मैनेजर है जो मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या खाने के आइटम हैं, लेकिन मैं इनकी वॉइस नहीं सुना सकती क्योंकि मेरे मोबाइल में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो चुकी है, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। इसलिए मैं आपको रिकॉर्ड अपनी करके बता रही हूँ कि ये मैनेजर मुझे पूछ रहे थे कि आपको हमारा खाना कैसा लगा। इन्होंने हम लोगों को खाना में, यानी हम लोग यहाँ पे खाने आए थे तो हम लोग ने व्लॉग भी बना लिए यहाँ पर। नहीं, माशाल्लाह यहाँ का खाना भी मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोग ने पहले पूरा वीडियो निकाले, और साथ में हम लोग ने फिर टेबल में, एक अच्छी सी टेबल में बैठ गए जहाँ पे पूरी कांच की तरफ से बाहर से व्यूज़ भी नज़र आती है। मेन तो हम लोग रात के 1 बजे गए, तो सारे रेस्टोरेंट, यानी रेस्टोरेंट बंद होने वाला था, फिर भी मैंने शूट कर ली। फिर यहाँ पर हम लोग आराम से बैठ गए, फिर बैठ के हम लोग ने ऑर्डर दिए कि बच्चों को ज़्यादा क्या पसंद है। फिर हम लोग को याद आया कि अरे बच्चों को तो झींगा फ्राई बहुत पसंद है, फिर यहाँ पे झींगा फ्राई आ गया। फिर बच्चों ने झींगा फ्राई खाए, और बच्चों की वजह से मैंने भी खाया, मुझे भी बहुत पसंद आया, बच्चों को भी बहुत पसंद आया। फिर हम लोगों ने मटन, फिर हम लोगों ने है ना नल्ली हमारी मांगी कि और वो ऑर्डर देना है, तो उन लोगों ने बोले कि मैम अभी बंद होने का टाइम हो गया है, तो आप लोग कुछ और ऑर्डर कर लीजिए। फिर हम लोग, उन्होंने हम लोगों को बोले एक काम कीजिए, आप मटन सूखा मंगा लीजिए, उसमें नल्ली भी आ जाएगी, निहारी जैसा फ्लेवर भी रहेगा। लेकिन माशाल्लाह जब वो आया तो हमें वो भी बहुत पसंद आया, और हमने कुलचा मंगाए। बच्चों ने तो कुलचा तो नहीं खाए, उन लोगों ने बोले हमें कुलचा नहीं चाहिए, तो उन लोगों ने फ्राइड राइस ऑर्डर दिए। फिर उसके बाद हम लोग कस्टर्ड अरबियन मंगाए और रस मलाई मंगाए, वो दोनों का ही फ्लेवर इतना टेस्टी था कि हमने वो 4 पैकेट ऑर्डर लेके घर पे भी गए। और फिर मुस्कान हाशिम ने भी मज़े ले लेके सब खाए, फिर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह होगा हम लोग वापस से यही रेस्टोरेंट में आने की कोशिश करेंगे। मेरा तो यहाँ का सबसे फेवरेट मेरा और मुस्कान का डिश हो गया है अरबियन कस्टर्ड, जो बहुत टेस्टी, बहुत लाजवाब है। हम लोगों ने बहुत अच्छे से खाए। आज के लिए इतना ही। आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।